दोस्तों, इस तरह से जो है आप MCPCV को बेल्ट में लगा लेंगे। ये जिस तरह से लगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और उसमें हिस्टिंग कंपाउंड भी लगा देंगे। और इसमें तीन नट जो है आपको कसना है, ये देख पा रहे हैं जैसा कि इसमें तीनों नट कसा हुआ है। चलिए अब मैं आपको ड्राइवर लगा के पहले दिखाता हूँ। अब देखिए इसको जोड़ना कैसे है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है F-प्लस, वही चीज़ यहाँ आपके ड्राइवर में भी लिखा रहता है जैसा कि F-प्लस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब चलिए हम कनेक्शन करके आपको बताते हैं। इस तरह से जब कनेक्शन हो जाएगा, ये देख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बिजली से चेक करेंगे। तो चलिए मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। चलिए सीरीज के द्वारा सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। ये देखिए आपका जल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग बैटरी पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं बैटरी में कैसे आपको वायर जोड़ना है। तो ये देखिए जैसा कि अभी आपको जोड़ा हुआ है प्लस माइनस में। तो सबसे पहले ये देखिए ऊपर में प्लस है और नीचे में। इसमें बैटरी में क्या करना है कि आपको घसना पड़ेगा थोड़ा सा। घसने के बाद जो है इसमें वायर को जरूर जोड़ें। ये देख रहे हैं आप, इसमें बैटरी में तार जुड़ा हुआ है। चलिए अब हम इसको कनेक्शन करके सबसे पहले चेक करते हैं। इस तरह से कनेक्शन करने के बाद अब मैं बैटरी पे इसको चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बैटरी पे भी ओके है आपका। अब किसी भी तरह का परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इसको हाउसिंग में डालेंगे। सबसे पहले इस वायर को अंदर करना है और उसके बाद फिर इसमें आप बैटरी लगा लीजिएगा। ये देख पा रहे हैं जैसा कि बैटरी वायर जा रहा है। बारीकी से थोड़ा ध्यान दीजिएगा और बैटरी को इस तरह से अंदर डालना है। ये ध्यान रहे आपका वायर कटे नहीं। इस तरह से डालने के बाद अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे डालेंगे और उसके बाद बेल्ट लगाने के बाद फिर एक बार चेक कर लीजिए और तब जो है इसको फिर फाइनल टच हम इस प्रकार से देंगे। तो आइए बता, ये देखिए बनाने के बाद जो है आपका इस तरह से आएगा। अब चलिए फिर मैं ऊपर से चेक कर लेता हूँ। पहले सीरीज से चेक करता हूँ, ओके है। अब मैं बैटरी से चेक करूँगा। हाथ से भी जो है आप सटा के चेक कर सकते हैं। ये देखिए आपका बैटरी पे भी ग्लो कर रहा है। इसमें ट्रिपल फंक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट टाइम अगर बैटरी पे जलाते हैं तो आपका 7 वाट जलेगा, यानी लाइट ज़्यादा होता है। और सेकेंड टाइम अगर जलाते हैं तो फिर 5 वाट हो जाएगा। फिर थर्ड टाइम में आपका जो है 3 वाट, यानी लाइट धीरे धीरे कमता चला जाता है। अगर ज़्यादा बैकअप लेना चाहते हैं तो कम लाइट पे जलाइए।